प्ले स्टेशन की वैरायटी है, अपना एक्सबॉक्स 360 है, एक्सबॉक्स वन है, PS4 है, PS3 है और PSP पोर्टेबल गेम्स हैं। इस तरह की तमाम वैरायटी जो गेमिंग के रिलेटेड जो है, जो आजकल जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसके मुताबिक आपको काफ़ी सारी वैरायटी मेरे पास मिल जाएगी, शॉप में अवेल मिल जाएगी। इसे 20-25 गेम आपको डाल के देंगे, गॉड ऑफ वॉर, लास्ट ऑफ अस, अनचार्टेड, इस तरह की वैरायटी इसमें मौजूद होगी, कॉल ऑफ ड्यूटी, टेकन 6 वगैरह। ये स्टेयरिंग व्हील ये PS2 का है, के दो कंट्रोलर के साथ हैं। ये खाली स्टिक आपने लगानी है। सेगा, अटारी, NEM 32, NEM 32, इस तरह की तमाम वैरायटी, 20,000 गेम इसके अंदर इंस्टॉल है। इसमें 22,000 गेम है और PS5 की शेप के कंट्रोलर है, ठीक है। इसमें भी सेगा, अटारी, NEM 32 वगैरह इस तरह की वैरायटी है एक कंट्रोलर के साथ, मगर वीडियो के हिसाब से आपको 10,000 के दो कंट्रोलर के साथ मिल जाएगा। 360 का 60-70 गेम है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ना, इसकी वीडियो भी चल रही है, ये भाई खेल भी रहे, ठीक है ना। इस तरह की इसकी ग्राफिक्स है, HD ग्राफिक्स है। इस तरह के कार्टून गेम्स हैं इसके अंदर, तकरीबन 1,000-1,200 गेम्स हैं। तो पोर्टेबल में ये आता है, इसमें भी आर्केड वाले गेम्स हैं, चाइना की आ रहा है, Nintendo DS का कॉपी है ये। ये एंड्रॉइड डिवाइस ही बन जाता है, यानी कि यूट्यूब वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह भी चलाता है। ये निकालेंगे तो आपका यानी कि इंटरनेट डिवाइस बन जाएगा, और ये लगाएंगे तो आर्केड बन जाएगा। और ख़ास बात यह है, इसके अंदर PSP वाले कुछ गेम्स हैं, ठीक है। पबजी वगैरह जो खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, फोर्टनाइट खेल रहे हैं, तो फोर्टनाइट और जो पबजी है वो PS4 पे अवेल है। PS4 पे आपको मिल जाएगा, Xbox One पे मिल जाएगा, One S पे मिल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आसिफ भाई, गेम में आपके पास कौन कौन से गेम्स होते हैं और एसेसरी में क्या क्या अवेलेबल होता है? गेम में जो मेरे पास वैरायटी है, प्ले स्टेशन की वैरायटी है, अपना Xbox 360 है, Xbox One है, PS4 है, PS3 है और PSP पोर्टेबल गेम्स हैं, आर्केड वाले गेम्स हैं, गेम स्टिक्स है, सेगा है, अटारी है, उसके अलावा PS5 वगैरह मिल जाएगा, Xbox One S और स्टीयरिंग व्हील वगैरह मिल जाएंगे, स्टीयरिंग का स्टैंड वगैरह मिल जाएगा। इस तरह की तमाम वैरायटी जो गेमिंग के रिलेटेड जो है, जो आजकल जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसके मुताबिक आपको काफ़ी सारी वैरायटी मेरे पास मिल जाएगी, शॉप में अवेल मिल जाएगी। अच्छा, कुछ हमें दिखाएं और उसकी कुछ प्राइस भी बताएं जो। बिल्कुल, देखिए स्टार्टिंग जो हम लोग कर रहे हैं, मिनिमम कंसोल से अमूमन दिखाते हैं कस्टमर को, तो सेगा ये सामने लगा हुआ है आपको, आपके ये 3500 रुपये का सेगा है और 3000 रुपये का अटारी है, दोनों में दो दो कंट्रोलर हैं, उसमें गेम है, वो अपना गन वगैरह मिल जाएगा उसमें, ठीक है। ये आपको 3000 का पड़ रहा है, ये आपको 3500 का पड़ रहा है, सही है। और इसके अंदर जो है 20-25 गेम डले हुए होते हैं, इसमें देखा सेगा की वैरायटी ऊपर भी काफ़ी लगी हुई है, अटारी की भी लगी हुई है। इसके अलावा अगर हम आते हैं इससे बड़े मशीन के अंदर, तो ज़्यादातर डिमांड आ रही है आर्केड स्टिक की। इसके अंदर ये होता है कि दो कंट्रोलर के साथ हैं, ये खाली स्टिक आपने लगानी है। सेगा, अटारी, NEM 32, NEM 32, इस तरह की तमाम वैरायटी, 20,000 गेम इसके अंदर इंस्टॉल है। दो कंट्रोलर वायरलेस के साथ आपको मिल जाता ही है, और हम ये यहाँ पे चला रहे रिटेल पे 7,500 रुपये का, मगर वीडियो के ताबून से जो आपको पड़ेगा ये 6,500 रुपये का, 6,500, ठीक है। दो कंट्रोलर वायरलेस हैं, आपने क्लिक टू प्ले खेलना है। इसमें आपको किंग ऑफ फाइटर, स्ट्रीट फाइटर, मेटल स्लग, इस तरह की वैरायटी आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी, जैसे स्नो ब्रूस, सोनिक, इस तरह की वैरायटी मिलेगी आर्केड वाले गेम्स के अलावा। ये इसमें ये आता है 6,500 रुपये का, ये हम चला रहे हैं 9,000 रुपये का रिटेल काउंटर पे ना, ये वाला। मगर आपको पड़ेगा आप और वीडियो के हिसाब से पड़ेगा 8,500 रुपये का। इसमें 22,000 गेम है और PSI की शेप के कंट्रोलर है, ठीक है। इसमें भी सेगा, अटारी, NEM 32 वगैरह इस तरह की वैरायटी है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ आई हुई है मेरे पास, ये एंड्रॉयड वाला है 9.1, ये 13,500 रुपये का हम दे रहे हैं। डुअल कंट्रोलर है, अगर आप ये जो चला रहे हैं ये एंड्रॉइड डिवाइस ही बन जाता है, यानी कि यूट्यूब वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह भी चलाता है। वो तो आपको पैकेज लेना पड़ेगा नेटफ्लिक्स का, मगर यूट्यूब वगैरह वगैरह सब कुछ चलाता है। ये मेमोरी कार्ड दिया हुआ है यहाँ पे इसका, ये निकालेंगे तो आपका यानी कि इंटरनेट डिवाइस बन जाएगा, और ये लगाएंगे तो आर्केड बन जाएगा। और ख़ास बात यह है, इसके अंदर PSP वाले कुछ गेम्स हैं और PS1 वाले गेम भी हैं, उसमें भी PS1 वाले गेम हैं, मगर वैराइटी इसमें कुछ हट के इससे, ठीक है। इसमें आपको ये पड़ता है 13,500 रुपये का, दो कंट्रोलर वायरलेस हैं, इसका एंड्रॉइड बॉक्स का अलग से रिमोट भी है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये भी मेरे पास आया हुआ है M8 के अंदर भी जो है एंड्रॉइड डिवाइस है, दो कंट्रोलर हैं, ये भी उसी तरह का, ये 13,000 रुपये का, वो 13,500 का, ये 13,000 रुपये का, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें काफ़ी अच्छी वैरायटी है आर्केड के मुतालिक, और कुछ PSP वाले भी गेम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ऊपर आते हैं इससे, तो पोर्टेबल में ये आता है, इसमें भी आर्केड वाले गेम्स हैं, चाइना की आ रहा है, Nintendo DS का कॉपी है ये। ये जो साथ में चार्जेबल है, ये चार्जेबल है सब, ये सब जो है ना आपको मैंने दिखाया, ये चार्जेबल पोर्टेबल में चार्जेबल होते हैं, और ये जो सारे हैं इसमें सेल लगेंगे,
ये 7 inch की LCD है, इसमें आपको किंग ऑफ फाइटर, स्ट्रीट फाइटर, इस तरह की तमाम वैरायटी मिलेगी। ये पड़ेगा आपको 12,000 पास होगा। अच्छा, इसके अलावा ये आता है हाथ वाला कंसोल, इसमें भी तकरीबन 500 गेम्स की वैरायटी है, मारियो वगैरह इस तरह की गेम्स है। ये पड़ेगा आपको 3,500 रुपये का। 3,500 जी। इसमें भी ये आर्केड आता है टीवी की नाम के नाम से, ये इसकी LCD है, ये मैं चला भी देता हूँ। इस तरह के कार्टून गेम्स हैं इसके अंदर, तकरीबन 1,000-1,200 गेम्स हैं और ये 3,500 का पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर हम जाते हैं तो सुप भी हमारे पास 2300 रुपये का, 2,300 रुपये का है, 400 गेम्स में स्टॉल है डबल कंट्रोलर के साथ है ये। अच्छा, अगर हम बड़े गेमों के ऊपर आते हैं तो एक्सबॉक्स की वैरायटी ज़्यादा मशहूर है, बड़े गेम्स के अंदर एक्सबॉक्स फैट मौजूद है यहाँ पे। ये फैट वर्जन आपको मिलेगा 360 का, 21,500 का, 60-70 गेम है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, इसकी वीडियो भी चल रही है, ये भाई खेल भी रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह की इसकी ग्राफिक्स है, HD ग्राफिक्स है, ये 21,500 का पड़ेगा। और यही जो वर्जन चल रहा है भाई का इधर, ये पड़ेगा आपको 24,500 का, स्लिम वाला 24,500 का है। कंडीशन देख सकते हैं, साफ सुथरा पीस है। ठीक है, ये इसका नीचे वाला बॉक्स है, इसमें आपको 60-70 गेम, मैंने 60-70 गेम इंस्टॉल करके देते हैं हम लोग। GTA 5, रेसलिंग, क्रिकेट, टेकन, रेड डेड 1, अपना कॉल ऑफ ड्यूटी, इस तरह की तमाम वैरायटी हम लोग आपको डाल के देते हैं। बैटमैन, स्पाइडरमैन और बेन 10, बारबी, इस तरह के तमाम गेम्स के अंदर हम लोग पहले से यानी कि रख के डाल के रखते हैं। ठीक है, ये आपको पड़ेगा 24,000 का, 24,500 का और ये 21,500 का पड़ेगा। दोनों वर्जन है इस बॉक्स के, ये फैट वर्जन है, वो स्लिम वर्जन है। ठीक है, अगर आप इससे कम में चाहते हैं तो PS2 भी आता है, इसमें 2010 के 2012 के गेम चलते हैं। ये आपको पड़ेगा 10,000 रुपये का एक कंट्रोलर के साथ, मगर वीडियो के हिसाब से आपको 10,000 के साथ 2 कंट्रोलर के साथ मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अगर हम ऊपर जाते हैं एक्सबॉक्स के मुकाबले में जो आता है PS3 आता है, PS3 25,000 रुपये का, इसे 20-25 गेम आपको डाल के देंगे। गॉड ऑफ वॉर, लास्ट ऑफ अस, अनचार्टेड, इस तरह की वैरायटी इसमें मौजूद होगी, कॉल ऑफ ड्यूटी, टेकन 6 वगैरह। ठीक है, इसके अंदर अगर हम जाते हैं 500 GB वाले में तो 28,500 रुपये का स्लिम वर्जन, ये सुपर स्लिम वर्जन है, इसमें भी आपको तकरीबन 30-35 गेम मिल रहे हैं खेलने के लिए। गॉड ऑफ वॉर, क्रिकेट, फुटबॉल, रेसलिंग, असैसिन क्रीड वगैरह, इस तरह के गेम्स आपको वैरायटी डाल के देंगे। इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो PS4 आता है, PS4 आपके सामने मौजूद है, PS4 स्लिम भी मौजूद है, PS4 फैट भी मौजूद है। PS4 फैट आपको पड़ेगा 45 का, PS4 स्लिम पड़ेगा 52 का। ये ऑफिशियल वाले हैं, इसमें सीरीज़ वगैरह आप परचेज करके चला सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं, इस तरह तमाम वैरायटी आपको खेल सकते हैं। अगर इसी के अंदर आप जेलब्रेक पे जाते हैं तो जेलब्रेक में गेम सेफ हो जाते हैं, अगर आप उसमें इंटरनेट नहीं चला सकते, आप चलाएंगे तो जेलब्रेक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जेलब्रेक के अंदर अगर आप सिम लेते हैं तो 72 का पड़ेगा। ठीक है, और फैट लेते हैं तो 62 का पड़ेगा। उसके अंदर आपकी मर्ज़ी के 7 से 8 गेम, यानी 7 से 8 गेम इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, 500 GB इनकी स्पेस है। और अगर हम इससे ऊपर जाते हैं वेरिएंट में तो प्रो आता है, PS4 प्रो आपको पड़ेगा 70,000 का ऑफिशियल, और जेलब्रेक में जाएंगे तो अपना आपको पड़ेगा 95 का। जेलब्रेक में आपके 15 गेम आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है काफ़ी सारी वैरायटी आपको नज़र आएगी, कंट्रोलर्स की, DVDs की। बिल्कुल, कंट्रोलर मिल जाएगा एक्सबॉक्स के लिहाज से, PC के लिहाज से, PS4 के लिहाज से, PS5 के लिहाज से, सब वैरायटी नज़र आ जाएगी। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ किस रेट पे? अलग अलग रेट है, 1800 से लेके 4,000 का भी है, 18,000 का भी कंट्रोलर है। PS5 का 18,500 का है और PS4 के 3,500 रुपये का, एक्सबॉक्स का 2,000 रुपये का कंट्रोलर है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ रह गई, PS5 रह गया। PS5 आपको पड़ेगा 165 का, 1,65,000 का। ठीक है ना, PS5 165 का पड़ेगा। और ये जो है आपको जो है 1 TB मिल रहा है, अगर इसके अंदर जाते हैं हम स्लिम पे तो 167 का स्लिम है, बल्कि ये 160 का पड़ जाएगा और 165 का स्लिम दे देंगे आपको, दोनों 1 TB। अच्छा, ये हैंडल वगैरह है जो गेम वाले बताए नहीं आपको, ये स्टेयरिंग व्हील ये PS2 का है, ये आपको पड़ेगा 7,000 रुपये का। और ये आप लेंगे अगर ये वाला तो 21,000 रुपये का, PXN का, ये PS4, PS3, Xbox 360, इस तरह की तमाम वैरायटी में ये स्टेयरिंग व्हील सपोर्टेड है। जी, आसिफ भाई थोड़ा बताएँ, ये जो हाई फाई गेम खेल रहे हैं आजकल, PS3, PS5, देखिए पबजी वगैरह जो खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, फोर्टनाइट खेल रहे हैं, तो फोर्टनाइट और जो पबजी है वो PS4 पे अवेल है। PS4 पे आपको मिल जाएगा, Xbox One पे मिल जाएगा, One S पे मिल जाएगा,
ठीक है ना, वो वैरायटी भी आपको काफ़ी यानी कि अच्छे रेट पे मिल जाएगी। मगर फ्री फायर की बात करें तो फ्री फायर सिर्फ पीसी का नहीं है, पीसी का है और मोबाइल का काम है, अभी तक किसी भी कंसोल्स पे लॉन्च नहीं हुआ है ऑफिशियली। ठीक है, अगर आपने पबजी खेलना है या फोर्टनाइट खेलना है तो PS4 है और एक्सबॉक्स वन है। एक्सबॉक्स वन जो है 32,000 रुपये का है और PS4 जो है स्टार्टिंग 45 से, ठीक है ना। उसके अंदर आने का आपको सीरीज़ वगैरह लेके या ऑनलाइन परचेजिंग करके गेम चलेगा, क्योंकि ये गेम ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, ये जेल ब्रेक पर नहीं चलेगा। जी जी, अच्छा अजय भी थोड़ा बता दें अपना, अगर आप करके कोई ऑनलाइन भी रब्ता करना चाहता है तो क्या कॉन्टैक्ट होता है और शहर में मुल्क में कहाँ काम में जा सकते हैं? ये ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रहे हैं, जहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट करेंगे, गांव साइड से या शहर साइड से या लाहौर से, पंजाब से, मुल्तान से, जो भी कॉन्टैक्ट करता है मुझे आप स्क्रीन शॉट भेजेंगे, भैया ये चीज़ चाहिए मुझे और ये चीज़ कितने की फ़ाइनल हो जाएगी, मैं आपको वीडियो वगैरह शेयर करूँगा चला गया चीज़ की, आप मुतमैन हो जाएंगे या फिर आप मुझे एडवांस पेमेंट लगाएंगे और मैं आपको यहाँ से डिलीवरी कर दूँगा। लेपर्ड कुरियर से करते हैं हम, TCS से करते हैं, ये दो कुरियर सिस्टम है, हम उससे काम करते हैं। अच्छा, अपना कोई नंबर बता दो, कॉन्टैक्ट नंबर। मेरा नंबर जो है, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 03101035307 है। व्हाट्सएप पे भी? ये भी व्हाट्सएप पे, और आपको इमो, इंस्टाग्राम सब पे इसी का नंबर आपको मिलेगा, इमो पे भी मेरी आईडी बनी हुई है, इस पे ही चलेगा। सर आसिफ भाई थोड़ी अपनी लोकेशन बताएं, कहाँ हैं आप? मेरी जो शॉप है सदर रेमबो सेंटर के अंदर है, कराची के अंदर, F90F शॉप नंबर है, आइडियल गेम के नाम से है, F90F शॉप नंबर है।